जिस गन्ने की खंड के नाल इस बर्फी च मिठास आई सी ओही गन्ना उगाउण वालियां दे नाल कांग्रेस सरकार ने दगा कीती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रुस्से होए किसानां नूं मना के अपनी कुर्सी बचाउण दी कोशिश कीती सी, पर ना ही वह कुर्सी बची ते ना ही निभाया गया वह वादा। मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया तो गन्ना किसानां नूं कीता गया वादा भी सरकार निभाउण तों पिछे हट गई, जिसका नतीजा यह निकलिया कि प्राइवेट शुगर मिल एसोसीएशन अजिहा इश्तिहार कढ़ना पिया ते किसानां दी गन्ने दी फसल खरीदन च असमर्था जाहर कर दित्ती गई। इस इश्तिहार च साफ साफ लिखे कि मौजूदा सरकारी नीति करके निजी मिलना दे लई गन्ना बॉन्ड करना ते उसकी पिड़ाई करना असंभव है। इसकी वजह की है वह भी इस इश्तिहार दे विच साफ साफ लिखी है कि कंपनियां वालों किसानों नूं गन्ने की कीमत 360 रुपए क्विंटल देने दे लई पंजाब सरकार वालों जो विचला फर्क खंड मिलों दिता जाना सी, सरकार उसनों देण तो पिछे हट गई है। यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा की तर्ज से गन्ना किसानों 360 रुपए प्रति क्विंटल दिते जाण दा जो वादा किया सी, चन्नी सरकार उस वादे को हुण नहीं निभाना चाहती। अजिहे च प्राइवेट मिलों ने गन्ने की खरीद उस रेट से करन तो ही इनकार कर दिता है। अजिहे च किसान आगुआं वालों ना सिर्फ पंजाब सरकार की इस वादा खिलाफी का विरोध किया जा रहा है, सगों उन्हें चेतावनी भी दे दी है कि जेकर पंजाब सरकार ने अपना वादा ना निभाया तो उन्होंने मुड़ तो रोश मुजारियों के लिए सड़कों पर उतरना पवेगा। 20 अक्टूबर दुआबे ते माझे दीआं किसान जथेबंदियों की मीटिंग सीएम पंजाब नाल हुई सी, जिस विच असीं उन्हां तों इह गल तों जाणू करवाया सी ते उन्हीं सानू भरोसा दवाया सी। मैं 2-3 दिन दे विच ही जिहड़ा आ अपना प्राइवेट मिलां नाल मीटिंग करके 15 नवंबर सरकारी ते प्राइवेट मिलां चलवा दित्तियां जाणगियां ते पंजाब दा जिहड़ा गन्ना जिमी किसान आ उह अपना गन्ना मिलां विच 15 तरीक तों लिजाणा शुरू कर सकेगा। पर अज इश्तिहार तों पता लगदा वी अजे तक मीटिंग दा अरेंज नहीं होया। सो असीं पंजाब सरकार नूं इह बेनती करदे आ क्योंकि गन्ने का सीजन जिहड़ा बिल्कुल सिर दे उपर आ, 15 तरीक बिल्कुल नेड़े आ, सो प्राइवेट मिलों नाल तुरंत मीटिंग करके उन्हां नूं किस हिसाब नाल हैंडल करना वह करके 15 तरीक तो मिलों चलाईया जाण अते किसानां नूं पूरा जिहड़ा 360 रुपये रेट आ वह 14 दिन दे विच दवाउण दा वादा कीता जावे, नहीं तो मजबूर होकर अपनी फसल बेचण लई किसानां नूं फिर सड़कां ते आउणा पऊगा। किसानां दी फसल जिहड़ी आ खेतां च खराब हो जाऊगी जेकर इन्हां ने मिलां ना चलाईयां, क्योंकि साडी नाल दी स्टेट हरियाणा दे विच भी गन्ने दा रेट 360 रुपये आ, उत्थे भी खंड 40 रुपये किलो विक रही आ ते पंजाब दे विच भी खंड जिहड़ी आ 40-45 रुपये किलो विक रही आ, पर फिर भी पंजाब दे जिहड़े आ मिल मालक उह कह रहे आ कि घाटा पै रहा है। हुण देखदे आ कि इस मसले वाले साडे मुख्यमंत्री पंजाब किन्नी क संजीदगी नाल लैंदे आ। आस करदे आ कि इस इन्हां मिल मालकां नूं बुला के इन्हां नूं जल्दी तो जल्दी इह गन्ने दी पड़ाई दा सीजन जिहड़ी 15 नवंबर तो चलाया जाए ता जो जिहड़ा किसान करजे दी मार हेठ ना आ सके। उधर विरोधी पार्टी श्रोमणी अकाली दल दे विधायक पवन कुमार टीनू ने भी पंजाब सरकार दे निशाने साधे। उन्हां मुताबक कांग्रेस पार्टी सत्ता च आउण दे बाद तों ही लोकां नूं झूठे वादियां ते लारियां दे विच उलझा के रख रही है। ये वोटां लैण लई वड्डे वड्डे वादे कर दिंदे आ लोकां दे नाल, निभाउंदे कोई नहीं। सो अज पंजाब च जां साडे इलाके च गल कर लईए जिन्ने गन्ना उत्पादक आ, वैसे तो 2016 च जदों इन्हां ने मैनीफेस्टो लागू किया, जदों मैनीफेस्टो च इन्हां ने कहा सी कि असी हरियाणे नालों वध रेट पंजाब च देंगे, 4.5 साल लगाते कांग्रेस ने अपने ते जाके संघर्ष करके किसानां नूं 360 ऐलान करवाउणा पिया, फिर हरियाणा पैटर्न का वादा कर लिया, वह भी नहीं अज मिलिया। ਇਹ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ, ਐਲਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। उस वेले किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल जो कैप्टन दियां सिफतां कर रहे सन कि वह हुण चन्नी सरकार के खिलाफ मुड़ तो रोश मुजारे करनगे। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़।